गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं? कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है। मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? ठीक है, ये क्या साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी एक सुन लीजिए। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती। उपाय है जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी उपाय हैं। अच्छा। ये तर्कशास्त्र जी क्या हर चीज को लिखित पे दिखाएंगे हमको? मतलब तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है क्यों? सारी चीज डॉक्टर यहाँ पर कोई कुछ बोल महाराज जी नहीं बोला। जो उसके गेहूं निकलता है उसे धोने से, गेहूं किसमें से निकलता है? जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? वो गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना, उसे पिसवा के। ठीक है, ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। तो भाई साहब, आप लोग हाईलाइट देख के तो समझिए गए होंगे कि आज बात किस पर होने वाली है। ये देखिए, एक चम्मच गोबर। हाँ तो भाई साहब, आज बात होने वाली है गोबर पर। अगर आप लोग खाना खा रहे हैं तो कृपया करके खाना के बाद देखिएगा, काहे कि बात होने वाली है गोबर पर। अरे इतना बुरा भी नहीं है कि आपको खाना खाने के बाद उल्टी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भाई साहब, एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि गोबर है या कोहिनूर हीरा है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। तो भाई साहब, चलिए ना देखते हैं कि आखिरकार गोबर कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा महंगा काय है, जिसमें अनुद्धाचार्य हैं और मीडिया वाले हैं, दोनों की बातचीत सुनते हैं। रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं? आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह रहे हैं? सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो। आप बाबा सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए, बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई। फिर ये केस क्यों है? गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज को। तार्किक बात है, आप मानो ना मानो दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया जैसे ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी वहाँ पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए। हाँ, एक एक करके, एक एक आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला। जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने में से, गेहूं किसमें से निकलता है? जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है? वो गेहूं धो के खाना है। गेहूं धो के खाना, उसे पिसवा के। ठीक है, ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा। मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ। आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है। प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। बोलिए बोलिए। हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाइयां हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भी उपाय हैं। अच्छा। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित पे दिखाएंगे हमको? अच्छा, तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है क्यों? सारी चीज डॉक्टर। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी, हमने बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? हमको नहीं पता। देखो, आपको, आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं। क्या बात कर रहे? गाय का सुंदर सा दूध,
दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र, ये पांच चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। बोलने दे। और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया है तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक है। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आज बताइए साइंस का मतलब बताऊं? बोल। पहले सवाल साइंस का, पहले आप मतलब बताइए। देखिए साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ वर्ष, कुछ सौ वर्ष पहले, कि पृथ्वी चपटी है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? कब? सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। देखिए साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती? ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते उनको? अगर कोई मेडिकल इश्यू होता है तो उनको भी यही वाली चीज करनी पड़ती है भारत की तुलना। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, बड़ा बताऊंगा। इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे दीजिए। एक लाइन का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेता। अरे रुको थोड़ा, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है। हाँ। उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी बात तो सही है। क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल, अगर जो चीज 40-50-60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। क्या वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं भी बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो भाई साहब, आप लोगों ने देखा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कैसे अपनी बातों में फंस गए, एक स्पेचेस चलाने वाले हैं। ये देख, जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। यही गोबर और गेहूं को लेके डिबेट छिड़ गया था, जिसमें अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अपने ही बातों में फंस गए। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये है पहला पार्ट, अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने ला के रखूँ। ठीक है भाई साहब, मिलता हूँ किसी दूसरे पार्ट में, जब तक ले टाटा बाय बाय।